हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्रेजी इंग्लिश। एज यू ऑल नो दैट दिस इज एन एजुकेशनल चैनल, सो टुडे वी विल नो अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस मीन्स एकवचन और बहुवचन संज्ञाएं। सिंगुलर और प्लूरल नाउंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए आगे देखें। देखिए, नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। सिंगुलर नाउंस एकवचन, प्लूरल नाउंस बहुवचन। सिंगुलर नाउंस आर रिलेटेड टू वन पर्सन और आइटम, यानी कि एकवचन संज्ञा जो होती हैं ये किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से जुड़ी होती हैं। और प्लूरल नाउंस जो होते हैं ये रिलेटेड टू मोर देन वन पर्सन और आइटम, यानी कि ये किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु से जुड़े होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखें दोनों के। जैसे सिंगुलर नाउंस में होता है बुक, तो प्लूरल में हो जाएगा बुक्स। सिंगुलर में बॉय, प्लूरल में बॉयज। देन मैन, मेन। गर्ल, गर्ल्स। इस तरह से ये वर्ड्स होते हैं। अब इनमें कुछ देखने को मिलता है कि कुछ एस पे फिनिश हो रहे हैं, कुछ में एस नहीं लगते हैं, तो इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इसकी कि किस तरह से सिंगुलर नाउंस को प्लूरल नाउंस में चेंज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, डेफिनेशंस इसके देखिए क्या क्या है। डेफिनेशन में आ जा रहा है, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि सिंगुलर नाउन जो एक वचन संज्ञा होती हैं ये किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के बारे में बताते हैं। और प्लूरल नाउंस जो होते हैं ये मोर देन वन पर्सन, थिंग और आइडिया के बारे में बताते हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं। आइए और आगे पढ़ें इसमें। यहाँ देखिए, हियर वी हैव सम रूल्स हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउंस इन इंग्लिश, and there are some rules you have to follow for this. So the very first one is how to form plural nouns in English. The first one is regular nouns. जब कोई simply कोई words होते हैं तब उनमें हम सिर्फ s add करते हैं। जैसे cat को cats कर सकते हैं, book में books हो सकता है, friend का friends होता है, apple का apples हो जाता है। कुछ ऐसे nouns होते हैं जो एस पे फिनिश होते हैं, एक्स पे फिनिश होते हैं, एस एच पे फिनिश होते हैं, या फिर सी एच या एस एस यानी कि डबल एस पे फिनिश होते हैं। जैसे देखिए, बी यू एस, बस। BUS का बस जो है S पे फिनिश हो रहा है, तो यहाँ ES ऐड करेंगे। ये सारे जितने यहाँ लेटर्स बताए गए हैं S, X, CH, SH या डबल S, ऐसे लेटर्स पे फिनिश होने वाले वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए ES ऐड किया जाता है। जैसे BUS, बस, इट फिनिशेस विद S. So you have to add es to make it plural and it becomes buses. In the same way, box will be changed to boxes, dish will be changed to dishes, church will be changed to churches and dress will be changed to dresses. This is a rule how you can change a singular noun into plural one. Let's see further. Now nouns ending in consonant plus y, there are some nouns which end with y, but for them also there are some rules which we have to apply for to make them plural. So here we'll study about nouns ending in y, but just before y there is a consonant, like party, p-a-r-t-y. before y there is a consonant, yani y ke just before t ek consonant hai,
तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पर बिल्कुल वाई के जस्ट बिफोर वाला लेटर अगर वो कॉन्सनेंट होता है तब वहाँ पर हम वाई को हटा के ई आई ई एस ऐड करते हैं, वाई को रिप्लेस करते हैं आई से और फिर उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। इस तरह से इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। इन द सेम वे जैसे यहाँ पार्टी दिया है, पार्टी में वाई की जगह आई और ई एस ऐड कर सकते हैं तो ये चेंज हो जाता है प्लूरल्स में। देखिए नेक्स्ट वन, सिटी एंड्स विद वाई विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, सो यू हैव टू रिप्लेस वाई विद आई एंड ऐड ई एस टू मेक इट प्लूरल। सो पार्टी बिकम पार्टीज, city becomes cities, candy becomes candies, baby becomes babies and anniversary becomes anniversaries. Look, this one becomes anniversaries. This is a rule, if any word ends with y along with a consonant before it, agar y ke sath koi consonant hota hai uske pehle tab fir usme hum y ko आई के साथ रिप्लेस करते हैं और उसमें ई एस जोड़ते हैं तब ये वर्ड्स प्लूरल्स में चेंज हो जाते हैं। नाउ लुक, नाउंस दैट एंड इन एफ, दोज नाउंस विच एंड विद एफ दे आर चेंज्ड, इन दोज वर्ड्स एफ इज चेंज्ड टू वी एंड ई एस इज एडेड टू इट to make that word plural. So leaf will be changed to plural form by replacing v in the place of f and then adding es. So the plural of leaf becomes leaves. In the same way all these words are changed to plural forms. Shelf is changed to shelves, scarf is changed to scarves, thief is changed to thieves, calf is changed to calves. Now nouns that end in fe, nouns that end in fe, they are, in those words fe is replaced with v and es is added to change them into plural forms. So when in word knife, knife, f is replaced by v and es is added to change it into plural form. So knife plural is knives, wife plural is wives, and of life the plural is lives. So in this way you can change any of the nouns into their plural forms by following some rules. There are some more rules. There are some more rules for plural nouns. Let's have a look at it. Most nouns add s to form plural. यानी ज़्यादातर nouns में हम s को add करते हैं किसी word को plural में change करने के लिए. Nouns that end with sh, ch, x, z or s. कुछ ऐसे नाउंस जो इन वर्ड्स पे फिनिश होते हैं उनमें हम ई एस जोड़ते हैं और उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नाउंस विद वॉवल प्लस वाई, यानी कि कुछ ऐसे नाउंस जिनके लास्ट में वाई आता है और वाई के जस्ट बिफोर कोई वॉवल होता है, आई थिंक यू ऑल नो वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू, देयर आर वॉवल्स इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट लेटर वाई हो और वाई के जस्ट बिफोर कोई वोवेल हो तो उस वर्ड में हम सिर्फ एस जोड़ते हैं उसको प्लूरल करने के लिए। और अगर वो नाउंस नाउंस एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस, हमने प्रीवियसली पढ़ा कि वाई के पहले जस्ट बिफोर अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आई में चेंज करते हैं और फिर उसमें ई एस ऐड कर देते हैं।
नाउन्स दैट एंड विद एफ और एफ ई, चेंज एफ और एफ ई टू वी ई एस. कुछ नाउन्स जो एफ या एफ ई पर फिनिश होते हैं वहाँ पर हम एफ को या एफ ई को वी ई एस में चेंज करते हैं. अभी आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. नाउन्स एंड विद वोवेल ओ, जो सिर्फ ओ पर फिनिश होते हैं. यहाँ हमने देखा था कि वोवेल के साथ वाई आ रहा था तब वहाँ पर हमने एस ऐड किया था. लेकिन कुछ नाउन्स जो वोवेल के साथ फिर ओ ऐड होता है लास्ट में तो वहाँ पर हम सिर्फ एस को ऐड करते हैं और उसने प्लूरल फॉर्म्स में चेंज करते हैं. और नाउन्स एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस ओ वी ऐड ई एस, यानी कि नाउन के साथ नाउन में अगर कॉन्सोनेंट के साथ लास्ट में ओ आता है तो वहाँ पर हम ई एस ऐड करके उस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं. चलिए आगे देखें. रेगुलर नाउन्स, ओके, रेगुलर नाउन्स एंड्स इन एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड और एंड एंड्स इन एफ और एफ ई. सो फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वन वेयर वी कैन ऐड एस आर दीज वर्ड्स, कार कार्स, डॉग डॉग्स, बुक बुक्स, house houses, apple apples. These are the words where you only have to add s. Now look at the words where you have to add es. Bus buses, match matches, dish dishes, box boxes, quiz quizzes. Let's see some more words which ends with f or fe and where we replace these words with ves. Leaf is replaced with leaves. Wolves, plural is wolves. Wolf, wolves. Life, lives. Knife, knives. Exceptions में दिया है roof और cliff. ये ऐसे words हैं जिनमें हम ves का use नहीं करते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, इनमें सिर्फ s add कर दिया जाता है, ये exceptions हैं. Now nouns that end in vowel plus y, यानि y के पहले बिल्कुल vowel होता है तब वहाँ s add करते हैं, जैसे days. डी ए वाई एस, डेज. यहाँ पर हम वाई को आई ई एस में रिप्लेस नहीं करते हैं, यहाँ डायरेक्ट एस ऐड करके इस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं. की का कीज हो जाएगा. बॉय बॉयज, गाय गाइज, जॉन्की जॉन्कीज. देन नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी वाई के साथ जब कॉन्सोनेंट आता है, जैसे सिटी, वाई के साथ कॉन्सोनेंट टी आ गया तो सिटी में वाई की जगह आई और लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे, यानी कि आई ई एस ऐड करना है वाई को रिप्लेस करके, तो ये वर्ड प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज, पार्टी पार्टीज, कंट्री कंट्रीज. नेक्स्ट इज, हियर आर गिवन सम इररेगुलर नाउन्स. मैन मैन, वन चाइल्ड टू चिल्ड्रेन, फुट फीट, टूथ टीथ, माउस माइस, पर्सन पीपल. इररेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स बिल्कुल अलग होते हैं, इनकी स्पेलिंग अलग होती है. और इरेगुलर नाउन्स पे हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बहुत से इरेगुलर नाउन्स वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएंगे. ओके, चलिए और आगे देखें. एंड्स इन वोवेल प्लस ओ, वोवेल के साथ जब ओ आ जाएगा तो वहाँ हम एस ऐड करेंगे, जैसे जू, लास्ट वर्ड ओ है, ओ के साथ एक और ओ लगा है तो ये दूसरा पहले वाला ओ जो वोवेल है तो यहाँ पर केवल एस ऐड करना है तो हो जाएगा जूज. इसी तरह रेडियो, रेडियो में ओ के साथ आई इज़ अ वोवेल सो रेडियोज. स्टीरियो, ओ के बिफोर ई वोवेल है, स्टीरियोज. वीडियो में सेम थिंग, वीडियोज. कंगारू में सेम थिंग, कंगारूज. नाउ नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ वी एड ई एस, जब कॉन्सोनेंट के साथ ओ होता है, जैसे हीरो. ओ इज द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड एंड आर इज जस्ट बिफोर इट, तो आर इज अ कॉन्सोनेंट सो हियर यू हैव टू एड ई एस सो इट बिकम्स हीरोज. हीरो हीरोज, इको इकोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज. देर आर सम एक्सेप्शनल्स इन विच वी डोंट अप्लाई सच रूल्स, लाइक पियानो will not be changed by adding es, it will be direct adding s,
इट बिकम्स पियानोज, देन फोटो फोटोज. देर आर सम नाउन्स विच डोंट चेंज एट ऑल, देर इज नो चेंज इन देम. लाइक शीप विल रिमेन शीप, डियर्स प्लूरल विल बी डियर, फिश विल बी फिश, सीरीज विल बी सीरीज, एंड स्पीसीज विल बी स्पीसीज. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच वर गिवन टू यू सो दैट इट वुड बिकम ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल, हाउ यू कैन मेक एनी नाउन इन इट्स प्लूरल फॉर्म. Let's see further. Here are some examples given of singular and plural nouns, like family, families, fly, flies, lady, ladies, story, stories, bamboo, bamboos, cuckoo, cuckoos, radio, radios, buffalo, buffaloes, hero, heroes, mango, mangoes, potato, potatoes, calf, calves, leaf, leaves, loaf, loaves. इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने रूल्स अभी आपको बताए गए हैं, उसी के बेस पे ये सारे look, singular forms and plural forms, life, lives, knife, knives, half, halves, self, selves, thief, thieves, wife, wives, this one, chief, chiefs, cliff, cliffs, hoof, hoofs, proof, proofs, man, men, woman, women, mouse, mice, louse, lies. So यहाँ पर आपने पढ़ा कि किस तरह से सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये सारे प्लूरल फॉर्म्स यहाँ पर बताए गए हैं. इनको आप चाहें तो कॉपी भी नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल से. डॉग का डॉग्स, एनिमल का एनिमल्स, वेट अ मिनट, डॉग का डॉग्स, एनिमल का एनिमल्स, कैट कैट्स, पर्सन पीपल, हस्बैंड हस्बैंड्स, wife wives, boy boys, girl girls, teacher teachers, school schools, land lions, spaceship spaceships, car cars, key keys, jay jays, guy guys, party parties, knife knives, mouse mice, tooth teeth, foot feet, child children, then video videos, potato potatoes, eco ecos, zoo with zoos. ये कुछ और examples थे plurals के, किस तरह से singular और plural में change होता है, singular words को plurals में change करते हैं. तो इस video में आपने पढ़ा singular और plural के definitions के बारे में, इनके rules के बारे में, और इनके maximum examples जितना possible था video में देना उतना हमने आपको पढ़ाया. और इसके अलावा इररेगुलर नाउंस थोड़ा शॉर्ट में इसमें बताया गया था, क्योंकि उसकी एक दूसरी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप उसमें देख सकते हैं इररेगुलर नाउंस क्या होते हैं, और उसके मैक्सिमम एग्जांपल्स आपके लिए लाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इररेगुलर नाउंस के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. And please, 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 please like, share and subscribe my channel.
एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द रिलेटेड टॉपिक यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट डिड यू लाइक द वीडियो एंड द वे एक्सप्लेनेशन और एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू लाइक टू कमेंट ओवर देयर थैंक यू